आपका एक्सपीरियंस हो गया लगभग कितने साल का? अभी लगभग हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं 7 से 8 साल। शुरू आप क्यों खोना चाहते हो? जैसे हम पहले पटना में पढ़ाते थे, पटना में जितना आ जाता था उतना हमारा सारा ख़त्म हो जाता था। फिर लगा कि यहाँ पे पटना में पढ़ाते हैं, पढ़ के चल जाता है बच्चा, ना हमको बच्चा जान रहा है ना ये हम बच्चे को जान रहे हैं। अपने गांव में कुछ करना चाहिए, गांव में अच्छे एजुकेशन से लेके जाना चाहिए, अपने गांव के बारे में। उसके लिए हम आ गए यहाँ पे, यहाँ पे। और फिर क्या हुआ कि ऐसा माहौल बनता चला गया कि यहीं पे इस्टेब्लिश हो गया। अभी आप कौन कौन से क्लास तक, कहाँ से कहाँ तक पढ़ाते हैं? अभी हम ऐसे 10th तक, बीच में कभी कभी 12th भी पढ़ाए हैं, परंतु 10th तक रेगुलर पढ़ाए हैं। 10th तक का एक्सपीरियंस अच्छा है ना? 10th तक तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा 10th का। रिजल्ट तो अभी तक फेल नहीं हुआ है कोई, और पिछले 6-7 साल से तो टॉप पे ही हैं। इस साल थोड़ा सा रिजल्ट गड़बड़ हुआ। घबराने का कारण क्या था? इस साल जैसे अब बच्चे कंडीशन क्या है कि बच्चे के अनुसार अब पढ़ना पड़ता है, और हम अपने अनुसार पढ़ते हैं। तो एक चीज़ तो ये है, दूसरा चीज़ ये है कि पहले हम मान के चलते थे हम अपने भाइयों को पढ़ाते हैं ये सारी चीज़, मतलब हम अपने जो उसको पढ़ा रहे हैं सब अपने लोग हैं उसको पढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से ज़्यादा गार्डिंग कर देते थे, वो गार्डिंग खर्चा कर जाता है, तो इस कंडीशन में लोग बिखर गया था। इस आपका खोलने का मकसद हम समझिए, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ फैसिलिटी क्या क्या है? जैसे क्लास तो बताएँ कि 6 से 10th तक है, 6 वाला को आप लोग सबको एक ही से पढ़ाते हैं, सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं? मेरे यहाँ जो है 6 के नीचे लगभग कॉमन चीज़ है, जो बेसिक चीज़ें लैंग्वेज मैथ है ये सारी चीज़, तो 6 से हम बुक को कर लेते हैं बिल्कुल, पढ़ाने के बाद हमें तो बुक बन जाता है, बुक बन जाता है। और दूसरा चीज़ है कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चे का जो बेस वो इतना मजबूत हो जाए कि 9th जाते जाते वो अपने से भी बुक से सेल्फ स्टडी कर सके। तो हमारा मूल मकसद होता है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने के काबिल बनाएँ, क्योंकि अगर बच्चा सेल्फ स्टडी, मेरा मानना है कि अगर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता है तो आगे जाके उसको कहीं ना कहीं टीचर का दामन तो छोड़ना ही पड़ेगा, वो आज छोड़े या कल छोड़े। परंतु बहुत सारे बच्चे कोचिंग को करते रहते हैं तो वो 10th तक बहुत अच्छा करते हैं, जब तक टीचर की सपोर्ट नहीं है, इंटर का अच्छा करते हैं, और उसके बाद उनका पूरा उनको पता भी नहीं चलता है कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, किताब पलट के हुई। तो हम कोशिश करते हैं कि वो बचपन से ही उसको ट्रेंड कर दें कि बच्चे किताब को पकड़े, किताब पढ़े, उसके बाद में पास करें। हाँ, मतलब किताबों से भी समझे, ऐसा नहीं कि टीचर पर डिपेंड हो गए। उससे होता है क्या कि टीचर से छूटे उसके बाद पढ़ाई में छूट जाता है, मतलब वो उसको पढ़ने का इच्छा ही नहीं करेगा, फिर उसको लगेगा कि बिना टीचर के कैसे पढ़ा जा सकता है। तो सबसे अच्छा खासियत तो आपके यहाँ यह है कि बच्चा खुद भी बाद में पढ़ सकता है, छोड़ भी दे उसके बाद अपने से पढ़ सकता है बाद में। हाँ, पढ़ सकता है। कोचिंग में सबसे अच्छा आपके यहाँ यह पता चला है, और भी खासियत है ये उसमें से एक है कि हम मानते हैं कि सेल्फ स्टडी सभी स्टडी टाइप के स्टडी से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए हम बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए, यानी जितने भी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसका मूल मकसद होता है कि बच्चा सेल्फ स्टडी में ग्रोथ करे और आगे चल के उसको लाइफ में ट्यूशन कोचिंग के भरोसे रहना ना पड़े। और पढ़ाई के साथ साथ और क्या करवाते, जैसे खेल वगैरह से करवाते हैं? पता है कि आपके यहाँ बच्चा कितना घंटे आप बच्चों को रखते हैं? देखिए, पहले तो जब शुरुआत किए थे तो 2 घंटा पढ़ा रहे थे, तो फिर बाद में बच्चों घर में फैमिली जैसा हो गया तो अच्छा दिन रात यहीं रहता था, खाने के लिए जाता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे माहौल बदला, मोबाइल आ गया, ये सारे का एंट्री हुआ, तो फिर वो टाइम धीरे धीरे आप टेक्नोलॉजी का भी दिखाया जाए। अब टेक्नोलॉजी का हम कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके हम करें, जैसे हम यूट्यूब का भी बीच में यूज़ किए थे, जैसे 2018 में बहुत रिजल्ट ख़राब गया था इंटर का, परंतु उसके बाद हम अकेले इंटर में हिम्मत किए, बहुत सारे स्टूडेंट आए बोले कि आप इनसे पढ़ेंगे, उन्होंने बोला कि हम सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते हैं, किंतु ऐसे माध्यम हम कर देंगे, तो इसके लिए हमने टीवी LCD ये सब चीज़ लगाए और ऑनलाइन टीचर से संपर्क किया और वो सारे चीज़ सारे सब्जेक्ट चालू करवा दिए, सारे सब्जेक्ट चालू करवा दिए। उस दौरान आप 12th ही पढ़ाया है ना? हाँ, उस दौरान हमने 12th करवाया। उसके बाद आप 12th बंद कर देंगे क्योंकि वो नहीं हो पा रहा है?
नहीं ऐसा नहीं है, वो अब ज़्यादा सहूलियत हो गया है, अब बच्चा चाहे तो घर पे ही जो हम यहाँ टीवी पे दे रहे थे तो अब वो घर पे मोबाइल से अगर उस टाइप से उसमें पढ़ने की लगन हो चुकी है तो घर पे उसको हर वो बेस्ट टीचर उसको ईजिली उपलब्ध है। तो जो अब टीवी पे यहाँ पे अगर चलाने की बात है तो वो अब घर पे भी पढ़ सकता है, मोबाइल पे देख सकता है। हाँ, तो इसलिए भी बंद किया गया। दूसरा चीज़ इसके पीछे ये भी है कि गांव में इंटर के बच्चे नहीं मिल पाते हैं, और जो मिलते हैं वो उतने कंसिस नहीं होते हैं, जो अच्छे मतलब टेंथ क्लास में अच्छे बच्चे होते हैं वो सब बाहर चले जाते हैं, तो अब ट्वेल्थ में इलेवंथ में अच्छा बच्चा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए भी अब पढ़ाने का मन इलेवंथ ट्वेल्थ में होता है। क्वेश्चन बना लिख लेंगे।